रिगार्डिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, पहले तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्या है पढ़ चुके हैं। वी हैव सीन दैट फॉर, ये हमारा नॉलेज में है ऑलरेडी एंगुलर मोमेंटम, इसके बारे में हम लोग जो पहले से जानते हैं। थोड़ा सा खाली दो लाइन लिख देता हूं, एंगुलर मोमेंटम इसके बारे में क्या जानकारी अभी हमारे पास है, वो ऐसा है कि फॉर ए प्योर रोटेशनल मोशन, फॉर ए प्योर रोटेशन एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर गिवन बाय आई इनटू ओमेगा। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस, ओमेगा इज ऑल्सो द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेम एक्सिस। ठीक है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, हम लोग एक नया टर्म भी देखे थे, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो एन एंगुलर मोमेंटम, इट इज गिवन बाय आर क्रॉस एम बी। ठीक है, ओहो सो बैड, फाइन। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाय आर क्रॉस एम बी। अगर कोई चीज ऐसे जा रहा है, कोई मास एम भी वेलोसिटी में जा रहे हो जा रहा है, यू वांट टू नो दी एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, देन यू फर्स्ट फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, कॉल इट आर, है ना। आर क्रॉस एम बी गिव्स यू द एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो इसका मतलब, इसका अगर हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड कितना है, ये हम लोग देखे थे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मोमेंट ऑफ मोमेंटम वाज कमिंग आउट टू बी एम वी एच। एच क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम द एक्सिस। एच क्या है, इट इज आर। अगर हम कहेंगे एम वी और आर के बीच में एंगल, क्या आप में से कोई बताएगा मुझे आर और एम वी के बीच में जो एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री है कि लेस देन 90 डिग्री है। वी ऐसा है, आर ऐसा है, दोनों बीच में जो एंगल है मोर देन 90 है कि लेस देन 90 है। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाय एम वी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ मोशन का यहां से फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तीसरा चीज क्या देखे हम लोग, अभी हम क्या देखे, फॉर ए प्योर रोटेशनल मोशन दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, फॉर ए बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कैलकुलेटेड। नाउ यू सी दिस मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज डिफरेंट अबाउट डिफरेंट पॉइंट्स, ओ में मोमेंट ऑफ मोमेंटम निकालेंगे जो आएगा, यहां पर कोई दूसरा पॉइंट पी ले लेंगे, मोमेंट ऑफ मोमेंटम विल बी डिफरेंट। मोर ओवर ओ मिलेंगे तो ये बॉडी इस एक्सिस में ऐसा घूमता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा क्लॉकवाइज। पी में ले लेंगे तब भी क्लॉकवाइज ही नजर आएगा लेकिन मैग्नीट्यूड विल बी डिफरेंट। अगर यहां पर कोई पॉइंट ले लिए तो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा। दैट मींस मोमेंट ऑफ मोमेंटम सोली डिपेंड्स अपॉन व्हिच एक्सिस, अबाउट व्हिच एक्सिस यू आर कैलकुलेटिंग इट। मोरओवर मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए पॉइंट along the line of motion, अगर ये point में पूछा गया बताओ मोमेंटम मोमेंटम क्या है, तो ये line का, ये line of motion का distance ये point से क्या है, zero है। So about any axis passing through the line of motion, moment of momentum is zero। ये सारा चीज हम लोग angular momentum chapter में पढ़ चुके। तो अभी हम लोग दो चीज देखे, एक हुआ पर pure rotational motion, दूसरा हुआ translational motion। कोई body translational motion में है उसका मोमेंट ऑफ मोमेंटम निकाल लेते हैं, ऐसा है, फाइन। अभी अगर बॉडी के पास ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों मिला जुला है, दोनों मिला जुला है, तो कैसे करेंगे उसको, हम कहेंगे फॉर ट्रांस रोटेशनल मोशन। ये भी हम लोग पढ़े, बस खाली याद दिलाता हूं ताकि हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर ट्रांस रोटेशनल मोशन एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम momentum about an axis is equal to vector sum of is equal to
वेक्टर सम ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। यहां पे आ गया ये खतरनाक चीज। अगर कहेंगे कि मान लो कि यहां पर कोई एक डंडा रखा है, ठीक है, ये डंडे को हम यहां पे कोई एक दूसरा मास इसके साथ अटैच है। चलो मानते हैं कि ये डंडा का मास कैपिटल एम है और ये जो अटैच्ड मास है उसका मास 2m है और ये दोनों को किसी हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखे हुए हैं, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन से। अगर हम स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखे हैं इसको, सोचो ये हाल में अगर कोई आया इसको एक किक लगा दिया, इट वाज जस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे था, कोई आया एक एंड को किक लगा दिया, एक बार किक लगाया फिर छोड़ दिया, फिर क्या होगा, चलने लगेगा, कैसे चलेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा, ये वाला हिस्सा घूमेगा, ऐसे घूमते 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 जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि एक बार किक लगाने के बाद कोई दूसरा फोर्स तो उसके ऊपर नहीं आ रहा है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है तो द बॉडी विल कीप ऑन मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। एंड फर्दर वी नो न्यूटन लॉ क्या कहता है, किसके बारे में कहता है, इट टॉक्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ये हमें मालूम है, मतलब ये m और ये 2m का सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली 2m के आसपास कहीं होगा, ये पॉइंट में है, मान लो दिस पॉइंट विल गो स्ट्रेट, दिस पॉइंट विल गो स्ट्रेट। रिमेंबर ये सारा चीज को जोड़ के मैं न्यूमेरिकल बनाने वाला हूं, आपको ध्यान में रहना चाहिए, दिस पॉइंट विल गो स्ट्रेट, मतलब थोड़ी देर के बाद क्या हाल होगा बताओ, थोड़ी देर के बाद जब ये आलू जो गुब्बा बना है यहां पे जब ये आके यहां पर होगा तब ये डंडा कुछ ये हाल में होगा, बट सेंटर ऑफ मास तो इधर से ही जा रहा होगा। थोड़ी देर के बाद ये जब ये आके गुब्बा इधर होगा तो आप देखोगे ये डंडा ऐसा होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, मतलब हो क्या रहा है, ये घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, देखो ये घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, सेंटर ऑफ मास इज मूविंग, क्लियर, सो इट इज स्पिनिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ये घूम रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, नॉट ओनली दैट द सेंटर ऑफ मास इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। नहीं, अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे हमें क्या दिखेगा, द बॉडी इज अंडरगोइंग प्योर रोटेशनल मोशन, क्योंकि हमें अपना मोशन तो दिखेगा नहीं। नहीं, इफ यू सिट ऑन द सेंटर ऑफ मास देन यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट द बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि बॉडी का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आपका वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी बराबर हो जाएगा तो आपको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नहीं दिखेगा। कोई चींटी बैठा है सेंटर ऑफ मास पे उसको क्या लगेगा, डंडा सिर्फ घूम रहा है जबकि डंडा आगे भी जा रहा है, सेंटर ऑफ मास पे चींटी बैठा हुआ है तो चींटी भी आगे जा रहा है ना। लेकिन अगर आप किसी दूसरे पॉइंट में बैठो, मान लो यहां पर बैठो, यू आर सिटिंग हियर एंड लुकिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो आपको क्या दिखेगा कि ये घूमते 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 आगे जा रहा है। अभी अगर कोई आपको पूछता है कि बताओ व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस अरेंजमेंट अबाउट दिस एक्सिस, तो आप क्या करोगे, अबाउट एन एक्सिस ए अगर आप निकालोगे, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, यहां पर कोई एक्सिस है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन है और ऐसा है, तो आपको देखना पड़ेगा इस डंडे का स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना और स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना है और मोमेंट ऑफ मोमेंटम कितना है, दोनों को वेक्टोरियली जोड़ना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखने मेरे भाई, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना, यही स्टेटमेंट है जिसी के चलते रोटेशनल डायनेमिक चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट लगता है, यही स्टेटमेंट है, बाकी चीज तो जैसे आपका ट्रांसलेशनल मोशन में होता था सब कुछ हो जाता था, ठीक है, यही स्टेटमेंट है जिसके चलते ये डिफिकल्ट लगता है समझने की कोशिश करना। अब अगर मुझे पूछा जाएगा व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए, आई कॉल इट एल ए, ठीक है, क्या है, इट इज वेक्टर सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम,
चलो ये जो सेंटर ऑफ मास है उसको सी कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, इट इज आई सी ओमेगा सी, ये एक वेक्टर है ना, ये भी एक वेक्टर है, और आई सी ओमेगा सी और क्या है, और ये सेंटर ऑफ मास सीधा ऐसे जा रहा है, मान लो वी वेलोसिटी में जा रहा है, मान लो वी वेलोसिटी में जा रहा है, और ये जो पॉइंट है यहां से जो दिखा रहा हूं मैं, ये पॉइंट यहां से कितना दूर पे है, चलो मानते हैं कि ये डिस्टेंस है कितना, ये डिस्टेंस है h सपोज, तो फिर क्या हो गया, घूमने के कारण भी उसके पास एक मोमेंट ऑफ मोमेंटम हो गया, कितना हो गया, ये m और ये 2m दोनों मिलके सेंटर ऑफ मास में कंसंट्रेटेड है, कितना मास हो गया 3m, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, प्लस आ mvh मैग्नीट्यूड, ये भी एक वेक्टर है mvh है ना, और हम कहेंगे मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऐसे लिख देते हैं। अब LA का कोई अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा, बताओ इन मैग्नीट्यूड कितना है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस मूविंग बार विद अ डूम ऑन द अदर साइड, पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे उसका एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन, ऐसे निकाल देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे, कैसे भी निकाल देंगे, डाटा दिया होगा, लेंथ दिया होगा, मास दिया होगा, हम निकाल देंगे, हम तो निकालना आता है, आई सी ओमेगा सी तो निकल जाएगा, लेकिन आई सी ओमेगा सी थोड़ा देखो तो कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये वेक्टर ऐसे ऐसे घूम रहा है, ओमेगा ऐसा ऐसा है ना, मतलब इट इज लुकिंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये आई सी ओमेगा सी होगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो मोमेंट ऑफ मोमेंटम हुआ, मोमेंट ऑफ मोमेंटम हुआ देखो तो कैसे हो रहा है, ये मास इधर जा रहा है, इस पॉइंट में कैसा घूमता हुआ नजर आ रहा है, ये अगर यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल मास को देखेंगे, यहाँ से दिखेगा कि ऐसे जा रहा है, मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ओ दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो गए, तो हम क्या कहेंगे, इट विल बी आई सी ओमेगा सी प्लस, क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी एंटी क्लॉकवाइज है, कितना है ना, m m की जगह क्या लिखेंगे, m प्लस 2m, 3m जा रहा है, 3m जा रहा है वी वेलोसिटी में, 3m v, और डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन h, अगर हम a को यहां लेने की बजाय कुछ यहां पर लिए होते तो ic ओमेगा c तो एंटी क्लॉकवाइज ही रहता, लेकिन मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आता, तो क्या लिखते, वन इज एंटी क्लॉकवाइज, अदर इज क्लॉकवाइज, साइन क्या हो जाता, नेगेटिव, समझ में आ रहा ना, इज दैट क्लियर, तो अगर हमें ए पॉइंट में एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो दिस प्लस दिस हो गया, बी पॉइंट में निकालेंगे जो कि यहां से डी डिस्टेंस में, सपोज हम कहेंगे कि ये है पॉइंट बी और ये कितना दूर पे है, सपोज डी डिस्टेंस में है, कोई पहला जो मुझे फटाफट आंसर बताएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो ही आई सी ओमेगा सी माइनस एम थ्री एम वी डी, थ्री एम वी एच होता था इधर, इधर माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, तो कौन सा पॉइंट में हम टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं उसके हिसाब से हमारा वैल्यूज और आंसर्स बदल जा रहे हैं, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द डायरेक्शंस, ठीक है, ओके, जस्ट टू सी वेदर यू हैव रियली अंडरस्टूड और नॉट, चलिए मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना, सपोज हम कहेंगे यहां से कोई एक मास m को कुछ एक वेलोसिटी में फेंका गया, और ये कौन सा पॉइंट है, सेट इज ओरिजिन, ओरिजिन से फेंका गया, जब वो ऐसे जा रहा था इधर से, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी था, कुछ वेलोसिटी था, वेलोसिटी का एक x कंपोनेंट था कॉल इट vx, वेलोसिटी का एक y कंपोनेंट था कॉल इट vy, है ना, और वो v वेलोसिटी में जा रहा था, कौन सा पॉइंट में था, चलो मानते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट था x, y, और ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, O, मास क्या है, M, क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में पूछा है व्हेन पार्टिकल रीचेस पॉइंट P फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम About O,
हमें इसका एंगुलर मोमेंटम ओ में निकालना है। पार्टिकल का मास दिया गया है, कोई पार्टिकल को फेंका गया है और वो जा रहा है ऐसे करके जा रहा है। ये कौन में उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, वेलोसिटी वी एक्स है, वी वाई है। सो यू हैव टू गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ वी एक्स, वी वाई, एक्स वाई, ये सबको लेके, ओके, क्योंकि वही डाटा दिया हुआ है, आपको पूछा गया है। बताओ व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। अगर हम कहेंगे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। क्या आप में से कोई मेरा मदद कर सकता है निकालने के लिए? तो अभी अगर हमें देखना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ है, मास क्या है, कम। देखो पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, एक vy है, dx है, बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी भी कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। अच्छा, ड्यू टू vy एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या होगा, कहो तो। dy के लिए dy का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mvy, mvy का ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये कोऑर्डिनेट xy है तो ये हाइट है y, ये डिस्टेंस है x, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो सबको आता है। तो vy के लिए क्या बनेगा, इट इज mvyx, ठीक है, mv इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन, mvy इनटू x। अच्छा, ड्यू टू vx एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, सोचो अबाउट ओ, वी एक्स ऐसा है, उसका लाइन ऑफ मोशन कैसा है, ऐसा है, ये डिस्टेंस कितना है वाई, तो हम कहेंगे इट इज एम वी एक्स वाई। क्या इतना बोलने के बाद भी कोई बोल सकता है बड़ी तो नेट एंगुलर मोमेंटम, नेट एंगुलर मोमेंटम इसके लिए बन गया, उसके लिए बन गया, दोनों को जोड़ना है, बड़ी तो नेट एंगुलर मोमेंटम। No. सर इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, यही सोच के काफी लोग नहीं बोल पा रहे। थोड़ा ध्यान से देखो, एम वी वाई एक्स, ये जो वी वाई के लिए जो मोमेंटम इधर से बना वो कैसा था भाई, क्लॉकवाइज था कि एंटी क्लॉकवाइज था? अगर यही वेलोसिटी होता है, यहाँ का पार्टिकल को क्या लगता है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, क्या लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वी एक्स के चलते क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम कहेंगे नेट एलओ ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, ये एंटी क्लॉकवाइज दिखा, नहीं ये क्लॉकवाइज दिखा। वैसे ध्यान रहे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोई डायरेक्शन का इंडिकेशन नहीं होते हैं, समझने के लिए बोलते हैं। उनका डायरेक्शन कैसे होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आउटवर्ड, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इनवर्ड, ऐसे होता है, लेकिन हम लोग इसी से काम चल जाता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो नेट एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, इट इज एम वी वाई एक्स माइनस एम वी एक्स वाई। हम इसको बड़ा मान लिए, इसको बड़ा मान लिए तो हम कहेंगे नेट एंगुलर मोमेंटम विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसको दिस माइनस दिस करते तो क्लॉकवाइज लिखते, तो नेट एंगुलर मोमेंटम इज कमिंग आउट टू बी दिस एम वी वाई एक्स, ठीक है ना, समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं? यस, वी हैव ऑलरेडी सीन थ्री पॉइंट्स हियर, नाउ लेट अस सी द फोर्थ पॉइंट। एंगुलर मोमेंटम समझने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या था, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या कहें, इट इज सिंपली फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और तो ठीक है, तो हम कहेंगे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज गिवन बाय फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, समझ में आया, और बाय सिमिलर टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता था फोर्स, तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, टॉर्क, है ना, फोर्स का एनालॉगस क्वांटिटी क्या लिखेंगे,
rate of change in angular momentum about an axis is equal to torque or external torque about that axis. Rate of change in angular momentum about an axis is equal to rate of the external torque acting about that axis. अगर torque को हम लोग tau से represent करेंगे, तो हम कहेंगे it is nothing but dl by dt. And what does this L stand for? L is total angular momentum. टोटल एंगुलर मोमेंटम मतलब अगर बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में है ओनली आई ओमेगा, ट्रांसलेशनल मोशन में है मोमेंटम मोमेंटम, और ट्रांस रोटेशनल में है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस मोमेंट ऑफ मोमेंटम दोनों को लेना है. टोटल एंगुलर मोमेंटम ये हो गया आपका एल. उसका रेट ऑफ चेंज इज गिविंग यू द टॉर्क. ये भी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, मैं याद दिला रहा हूं क्योंकि मुझे अंदर जाके डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवाना है. ठीक है, टॉर्क हो गया रेट ऑफ चेंज इन टोटल एंगुलर मोमेंटम. अच्छा, ये जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल ड्यू टू ए टॉर्क एक्टिंग ऑन द एक्सिस अबाउट द एक्सिस. अबाउट टॉर्क अगर एंगुलर मोमेंटम की डिरेक्शन में हुआ तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ एंगुलर मोमेंटम घटेगा. जैसे जैसे लीनियर मोमेंटम की केस में होता था, कोई बॉडी के पास वी वेलोसिटी में जा रहा है तो कुछ मोमेंट है, अगर उसके ऊपर फोर्स ऐसे आएगा तो उसका मोमेंटम बढ़ेगा. फोर्स अगर कोई बॉडी ऐसे जा रहा था, फोर्स इसके ऊपर ऐसे आया, द फोर्स इज डिक्रीजिंग द मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम विल बी नेगेटिव. अभी मोमेंटम घटेगा, तो मोमेंटम घटेगा बढ़ेगा कि घटेगा इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. सिमिलरली टॉर्क देखेंगे तो टॉर्क अगर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में हुआ तो हम कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा. टॉर्क अगर एंगुलर मोमेंटम की ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो एंगुलर मोमेंटम घटेगा. जैसे बस यही बात को बताने के लिए आई वॉन्ट टू गिव यू ए स्मॉल एग्जाम्पल. अच्छा, यही क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, थोड़ा इसी क्वेश्चन में देखते हैं. जब वो पार्टिकल जब वो पार्टिकल को ऐसे फेंका गया, वो ऐसे जा रहा था. When particle reaches point P, find its angular momentum about O is increasing or decreasing. बस सेम पुराना क्वेश्चन को मैं थोड़ा यूज कर लेता हूं. पार्टिकल को फेंके, इधर से जब जा रहा था, इधर से क्या एंगुलर मोमेंटम है वो हम लोग निकाल दिए, वो काम खत्म हो गया. अब जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वेलोसिटी बदल रहे हैं, एक्स वाई बदल रहे हैं, कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहे हैं. हमको बताना है कि जो भी एंगुलर मोमेंटम था अबाउट वो बढ़ रहा है कि घट रहा है. ठीक है ना, बढ़ रहा है कि घट रहा है. अब देखिए, तो पहले अब अभी हमें मालूम नहीं है कि Vx के चलते एंगुलर मोमेंटम ज्यादा था कि Vy के चलते एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है. Vx के चलते एंगुलर मोमेंटम ज्यादा था कि Vy के चलते एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है. अगर उतना ही पूछ लिया, क्या बता सकते हो हमें ना Vx का वैल्यू दिया है ना Vy का वैल्यू दिया है, ना x मालूम है ना y मालूम है, बस पूछ दिया बताओ Vx के चलते एंगुलर मोमेंटम ज्यादा था O में कि Vy के चलते एंगुलर मोमेंटम ज्यादा था. Vx के चलते कैसे, चलो दिमाग लगाते हैं, चलो दिमाग लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे हो रहा है. लेट मी गेट ए रेड पेन फॉर इट. जब वो पार्टिकल इधर से जा रहा था, उसका लाइन ऑफ मोशन ये था, है कि नहीं? लाइन ऑफ मोशन वाज समथिंग लाइक दिस. तो अब ये मास कोई चीज अगर इधर जा रहा है, इस पॉइंट में कैसा घूमता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा घूमता हुआ नजर आ रहा है. मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे था, क्लॉकवाइज था. अच्छा, Vx के लिए कैसे था, क्लॉकवाइज. Vy के लिए एंटी क्लॉकवाइज. टोटल एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज, मतलब Vx के लिए ज्यादा था.
देख लो छोटी सी चीज में कितना ज्यादा दिमाग लगता है। Should I repeat everything again? जब वो पार्टिकल ऐसे जा रहा था उसका लाइन ऑफ मोशन कैसा था? तो कोई पार्टिकल अगर इसी लाइन में जा रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम ओ में कैसे होगा? क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? हाँ सर क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि इधर जा रहा है तो लगेगा कि क्लॉकवाइज हो रहा है ओ में। अच्छा बीएक्स के लिए कैसे था? क्लॉकवाइज। बीवाई के लिए स्पॉन में एंटी क्लॉकवाइज। नेट वाज क्लॉकवाइज, मतलब बीएक्स का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा था। ये चीज समझ में आ गया? तो हमें क्या याद करना है? पहला चीज देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे उसमें फंस जाओगे, कोई वैल्यू नहीं दिया था कैसे पता करेंगे? ऐसे ही पता करना है। अब हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, क्या कहेंगे? हियर एल ओ नेट इज क्लॉकवाइज, ठीक है, इसमें कोई दोहरा नहीं, फाइन। पूछा है ये जो भी था ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? चलिए देखते हैं, हम देखेंगे कि ये बढ़ेगा और घटेगा तब जब इसके ऊपर कोई टॉर्क आएगा। इस एक्सिस में टॉर्क अगर आएगा क्लॉकवाइज तो बढ़ेगा, टॉर्क अगर आएगा एंटी क्लॉकवाइज तो घटेगा। नाउ यू सी, टॉर्क आने के लिए इसमें कुछ फोर्स होना चाहिए। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल नाउ? द ओनली फोर्स दैट यू कॉल इज एमजी, है ना? ये फोर्स इस एक्सिस में कुछ टॉर्क बना रहा है। कैसा टॉर्क बना रहा है? ये फोर्स इस एक्सिस में पार्टिकल को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना? तो अगेन जो टाउ ओ है इज क्लॉकवाइज, किसके लिए बना टॉर्क? ड्यू टू दी वेट, वेट के लिए बना टॉर्क, ये भी क्लॉकवाइज है। मतलब अगर टॉर्क भी क्लॉकवाइज है और एंगुलर मोमेंटम भी क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम विल इंक्रीज। तो आप कहोगे सो एल ओ नेट इज इंक्रीजिंग। अभी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा नहीं करेगा दूसरी चीज है, बात यह है कि अभी तो ये बढ़ रहा है क्योंकि यहां पर इस पोजीशन में एंगुलर मोमेंटम था क्लॉकवाइज, टॉर्क भी था क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, एंगुलर मोमेंटम बढ़ रहा था, ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी क्वेश्चन में देता हूं आपको बेटर एग्जाम्पल, बेटर महसूस होगा थोड़ा। इसको देखो, सपोज हम कहेंगे कि कोई एक थीन ट्यूब के अंदर, थीन स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, चलो मानते हैं कि ऐसा कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ऐसा कोई एक थीन सर्कुलर ट्यूब है। अब आगे चल के रास्ता बंद है, हमें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं किधर जाए, मान लो कि आके रुकेगा भी। ये कोई एक सर्कुलर ट्यूब है, ध्यान से देखो कि ये सर्कुलर ट्यूब है और ये सर्कुलर ट्यूब का ये पार्ट खुला है और एवरीथिंग इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हो गया उसका सेंटर। ए स्मूथ सर्कुलर ट्यूब इज ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब क्या हुआ, कोई एक मास एम को मैं इसके अंदर फेंकता हूं भी बेरोज के लिए, ठीक है, ए बॉल ऑफ मास एम वॉज थ्रोन इन टू इट विथ स्पीड वी। चलो हम यहां पे एक पॉइंट लेते हैं ओ, यहां पे दूसरा एक पॉइंट लेते हैं पी, ओ एक पॉइंट लिए पी एक पॉइंट लिए। सोच लो एवरीथिंग इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, अभी घुसेगा तो इसके अंदर से ही चलेगा और स्मूथ है तो कोई एनर्जी लॉस तो नहीं होगा। क्या कह रहे हो आप, जब वो यहां से यहां पर आके पहुंचेगा उसका स्पीड बढ़ा होगा कि घटा होगा? तुषारकांत क्या होगा स्पीड व्हेन इट रीचेस फ्रॉम हियर टू हियर, स्पीड विल इंक्रीज और डिक्रीज? सेम, इट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैं वही जानने के लिए बोल रहा था कि तुम लोग समझ लो कि नहीं समझ लो, अगर ये वर्टिकल होता तो इसे आने में स्पीड बढ़ता, लेकिन ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ना, सो इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ओके कमेंट ऑन वेरिएशन ऑफ एल ओ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ एंड एल
बी, ठीक है। चलो मानते हैं कि ये रेडियस आर है, कुछ एक दे देते हैं। एलओ और एलपी का वेरिएशन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं जानबूझ के छोटे छोटे क्वेश्चन सबको करवा रहा हूं सो दैट आई कैन मेक यू विजुअलाइज ऑल दीज थिंग्स। तो अभी अब ये आया बॉल, इसके अंदर से आया, इसके अंदर से ऐसे आया। हम जानते हैं स्पीड अगर कॉन्स्टेंट रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ में क्या रहेगा? जब वो यहां पर था एंगुलर मोमेंटम क्या था? अरे एंगुलर मोमेंटम कहां था सर? ये तो सीधे जा रहा था। ओ सीधे जा रहा था तो मोमेंटम मोमेंटम होगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट मोमेंटम मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो सीधा जा रहा था तो मोमेंटम मोमेंटम होगा, कितना होगा? एम वी इंटू आर। अच्छा जब वो इधर से जा रहा होगा तब एम वी इंटू आर, जब इधर से जा रहा होगा तब एम वी इंटू आर। तो हम देख रहे हैं कि ओ पॉइंट में हरदम एंगुलर मोमेंटम इज एम वी इंटू आर। We could follow because it is moving with a constant speed. लेकिन ये सही तरीका नहीं है सोचने का। मतलब मोमेंटम बढ़ रहा है कि घट रहा है जानने के लिए हम मोमेंटम को देख रहे हैं, नहीं। We want to see the torque and understand. अच्छा जब ये पॉइंट में जा रहा था मोमेंटम था mv into r। तो जैसे जैसे ये अंदर गया ये बॉल इसके अंदर से जा रहा था, सोचो बॉल के ऊपर क्या फोर्स आएगा? क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो कोई नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, है ना? नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आ रहा होगा, इसे नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ आ रहा होगा, है ना? अच्छा ये जो दोनों फोर्स है बोथ ऑफ देम आर पासिंग थ्रू द सेंटर, तो आप क्या कहोगे? दो फोर्सेस के ऊपर, एक हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम जानते हैं कि हम सर्कुलर मोशन में कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दिखाते हैं बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज वन ऑफ दी एक्सटर्नल फोर्स। तो सारा एक्सटर्नल फोर्स को दिखाते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखाते हैं। तो क्या देखें हम यहां पे? हम देखें कि नेट टॉर्क अबाउट ओ इज जीरो। व्हाई? बिकॉज दिस forces are passing through point O. When the line of action of a force passes through the axis, the force does not produce any torque. है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे? So LO is constant. And when I say LO is constant, you must understand its magnitude is constant, direction is also constant. दोनों constant. ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है? मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ठीक है। एलपी, अच्छा देखो अब ये जो फोर्सेस जा रहे हैं इसके ऊपर हमें क्या देखना था? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कैसे होता है? ड्यू टू एक्सटर्नल टॉर्क। एक्सटर्नल टॉर्क क्यों होता है? ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। क्या एमवी स्क्वायर बाय आर जो हम दिखा रहे हैं वो एक एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं, वो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो एक स्यूडो फोर्स है, झुटमुट का फोर्स है, 400 बीसी वाला फोर्स है। उसके चलते टॉर्क नहीं देखेंगे हम, तो किसके लिए देखेंगे? देखेंगे एन के लिए, एन इज एक्सटर्नल फोर्स। एन के चलते ओ में क्या टॉर्क था? जीरो। पी में? हाँ पी में तो कुछ टॉर्क बनेगा, ये जो फोर्स है इस पॉइंट में एक टॉर्क बनाएगा। कैसा टॉर्क? फोर्स ऐसा है, फोर्स ऐसा है तो टॉर्क भी तो ऐसे ही होगा। पी पॉइंट में द टॉर्क विल बी लाइक दिस, है ना? Due to normal reaction, tau p is कैसा है? ऐसा ऐसा घुमाने की कोशिश करेगा इसको, मतलब it is anti-clockwise. Initially lp कैसा है? सोचो ये ऐसे जा रहा था, ई पॉइंट में कैसा टॉर्क बन रहा है? देखो तो कैसा मोमेंटम बन रहा है, कोई बॉडी इधर जा रहा है उसके चलते इस एक्सिस में कितना होगा? एम वी इंटू टू आर। वो तो ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, कैसा होगा डायरेक्शन? ऐसा है कि नहीं? एलपी इज क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो
तो इनिशियली एलपी इज क्लॉकवाइज, नहीं इनिशियली क्या, जब यहां पर था तब भी तो क्लॉकवाइज था, जब यहां पर था तब भी तो क्लॉकवाइज था, हर क्लॉकवाइज था इस पॉइंट में, अबाउट पॉइंट पी इट वाज ऑलवेज क्लॉकवाइज एंड टाउ पी इज एंटी क्लॉकवाइज. तो टॉर्क इज नॉट इन सपोर्ट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, इट इज अपोजिंग, इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, एलपी इज क्लॉकवाइज, टाउ पी इज एंटी क्लॉकवाइज. तो आप क्या कहोगे, एलपी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? जाएगा एमवी इंटू जीरो क्योंकि जब इस पॉइंट में पहुंचेगा आर्टिकल आपके इस पॉइंट में पहुंचेगा, लाइन ऑफ मोशन इज अलोंग द एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम इज जीरो. तो मतलब पहले था mv into 2r, घटते 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 जीरो, मतलब इट इज डिक्रीजिंग. तो यू मस्ट बी एबल टू विजुअलाइज हाउ व्हाट हैपेंस टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस. जो भी एक्सिस में आपको एंगुलर मोमेंटम पूछा गया उस एक्सिस में क्या टॉर्क आ रहा है आपको पहले देखना है. दैट टॉर्क विल डिसाइड वेदर द एंगुलर मोमेंटम विल इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन कॉन्स्टेंट. If no external torque is acting about that axis, then angular momentum will remain constant. If the torque external due to the external forces, the torque is in direction of angular momentum will increase. If the external torque is in the opposite direction of angular momentum will decrease. ये चीज़ आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखो. यहां पे मैं आपको दो डिस्क दे रहा हूं. ये है एक डिस्क, से इसका मास m है और इसका रेडियस r है. ये ऐसे लगा है, ध्यान से देखना, ये डिस्क यहां से ऐसे लगा है, ठीक है, और घूम भी रहा है से विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. यहां पे कोई एक डिस्क जो बड़ा है, इससे काफी बड़ा है और ये कुछ ऐसे घूम रहा है. चलो ठीक है, ये कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है ऐसे, ये भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है, लेकिन इसका रेडियस कितना दिया है, इसका रेडियस दिया है 2r, इसका भी मास m है. ध्यान से देखना, दोनों डिस्क घूम रहे हैं. Now, ये पॉइंट हुआ A, ये पॉइंट हुआ B. In figure shown, the two disks were brought close such that points A and B slide on each other. A B slide करने लगेंगे, पास लेंगे तो slide करने लगेंगे. Consider friction between or at contact point now. question, thoda dhyan se dekhna hai yahan pe. isko maan lete hain disk 1, iska naam hai disk 2, theek hai. dono barabar angular velocity mein ghoom rahe the, ठीक है, बिफोर कॉन्टैक्ट दे हैड सेम एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है,
before contact the head same angular velocity. ठीक है. Whose angular momentum about its axis will increase rate of change in angular momentum is more for which disk. थोड़ा ध्यान से देखना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है. ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ध्यान से देखना क्वेश्चन को. आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू डू, नहीं तो कैसे होगा. मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं सोचने के लिए, सोचिए फिर इसको मैं शुरू करता हूं. क्या था, एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा कि घटेगा, किसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा. अरे जिसके ऊपर टॉर्क आएगा, टॉर्क का डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में होगा, उसी का ही एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा. नहीं, अभी हमें देखना है इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स एक्सिस बढ़ेगा कि इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस बढ़ेगा, है ना. तो हमें देखना है कि इस एक्सिस में क्या टॉर्क है, इस एक्सिस में क्या टॉर्क है. जिस केस में टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में रहेंगे उस केस में एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा. सो सिंपल. हाँ, आई एम डिसअपॉइंटेड. तो सॉल्यूशन देखते हैं. अच्छा, तो जैसे हमने दोनों डिस्क को कॉन्टैक्ट में लाए, कॉन्टैक्ट में लाने से पहले, जस्ट कॉन्टैक्ट में लाने से पहले देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें. ये जो पॉइंट ए है ये कुछ नीचे जा रहा है, क्या वेलोसिटी में, क्योंकि ओमेगा में घूम रहा है तो ओमेगा आर वेलोसिटी में जा रहा है ना. और ये जो दूसरा वाला डिस्क था, ये बड़ा वाला, इसका ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या था कॉन्टैक्ट में आने से पहले, ओमेगा इनटू 2r, दैट इज सेम एज 2v, है ना, 2v था. अब दोनों कॉन्टैक्ट में आए तो एक दूसरे को मिले, लेकिन दोनों में फ्रिक्शन था, ज्यादा कोई प्यार नहीं था, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, दोनों के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा. नाउ इसका वेलोसिटी v है, इसका वेलोसिटी, a का वेलोसिटी है v और b का वेलोसिटी है 2v. क्या कोई मुझे बता सकता है फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन और एट पॉइंट a किस डायरेक्शन में होगा. फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द रिलेटिव स्लाइडिंग. अगर B को पूछेंगे A का वेलोसिटी क्या है, वो कहेगा अपवर्ड है. A को पूछेंगे B का वेलोसिटी क्या है, वो खुद जा रहा है B में, ये जा रहा है 2B में, तो A को दिखेगा कि B नीचे जा रहा है B में. A कहेगा B नीचे जा रहा है B में, B कहेगा A ऊपर जा रहा है B में. Is not it? तो इसका वेलोसिटी, this is sliding upward with respect to this. तो related to this ही ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ आएगा. जबकि B के ऊपर the frictional force on the two surfaces of contact are always equal and opposite. किसके ऊपर ज्यादा frictional force आएगा, कौन बताएगा. A के ऊपर ज्यादा frictional force आएगा कि B के ऊपर, same frictional force आएगा. Yes. तो फिर ये जो frictional force है इसमें कोई torque बनाएगा, जो torque कैसे होगा, वो भी तो clockwise होगा. इस केस में ये टॉर्क होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऐसे था, लेकिन टॉर्क कैसे हो गया, टॉर्क कैसे हो गया, तो इसका एंगुलर मोमेंटम घटेगा, इसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, क्योंकि इसका एंगुलर वेलोसिटी ऐसा है, टॉर्क भी तो ऐसा ही है कि नहीं. तो हम क्या कहेंगे, बीट नंबर वन का आंसर हमें मिल गया. इन डिस्क वन टाउ एंड ओमेगा are in same direction. देखो कितना सोचना पड़ता है. So LO increase. वो मतलब L, L about ये point को चलो P कह देते हैं, ये point को Q कह देते हैं. LP ये point को Q कह देते हैं, ये point को P कह देते हैं. LP increase.
ठीक है, एल क्यू डिक्रीज बिकॉज द टॉर्क एंड ट्रायंगुलर मोमेंटम वेर इन अपोजिट डिरेक्शन। क्या यहां तक समझ में आ गया? क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो प्रूफ करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसका बढ़ रहा है, इसका घट रहा है, ये समझ में आ गया? क्लियर है, एक्सेप्टेड, सबको समझ में आ गया कि LP एंगुलर मोमेंटम और P इज इंक्रीजिंग और Q इज डिक्रीजिंग। अच्छा, किसका जल्दी जल्दी बढ़ रहा है? इसका जल्दी जल्दी बढ़ रहा है कि इसका जल्दी जल्दी घट रहा है? कि इसका जितना बढ़ रहा है उसका उतना ही घट रहा है, सोच के बताना। इसका एंगुलर मोमेंटम बदल रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम बदल रहा है, एक केस में बढ़ रहा है, दूसरे केस में घट रहा है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि एंगुलर मोमेंटम किसका जल्दी जल्दी बदल रहा है, डिस्क वन का जल्दी जल्दी बदल रहा है कि डिस्क टू का एंगुलर मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है? चलिए दूसरा पार्ट में आगे। क्या पूछा? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज मोर फॉर विच डिस्क। आप जानते हो कि रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? टॉर्क। तो जिसका टॉर्क ज्यादा है, फोर्स ना दोनों का बराबर है, टॉर्क बराबर है क्या? इसके लिए टॉर्क हुआ एफ एफ इंटू आर, इसके लिए एफ एफ इंटू टू आर। तो इसमें ज्यादा टॉर्क है भैया, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जल्दी जल्दी घटेगा, है ना? तो आप क्या कहोगे? टॉर्क अबाउट पी इज फ्रिक्शनल फोर्स इंटू आर, टॉर्क अबाउट क्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इंटू टू आर। तो टॉर्क ज्यादा है तो एंगुलर मोमेंटम जल्दी जल्दी घटेगा। समझ में आया क्या? सो डीएल बाई डी टी इज मोर फॉर डिस्क टू, ये समझ में आना चाहिए। देख रहे हो ना, अंदर जाते तो कितना गड़बड़ है। हर चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करो, फिजिक्स से कोई हलवा नहीं है, ठीक है? तो किसमें टॉर्क जल्दी जल्दी बढ़, एंगुलर मोमेंटम जल्दी जल्दी बढ़ेगा या घटेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द टॉर्क एक्टिंग। जो हमारा पी पॉइंट में वो टॉर्क हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। क्यू पॉइंट में फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना हो गया? टू आर। सो टॉर्क इज ऑब्वियसली मोर इन द सेकेंड केस, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जल्दी जल्दी घटेगा। छोटे वाला का एंगुलर मोमेंटम जल्दी जल्दी नहीं घटेगा, बड़े वाला का जल्दी जल्दी घटेगा। आया मजा इसमें? क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. चलिए आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं एंगुलर मोमेंटम का। हम लोग टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम को समझ गए हो तो टेस्ट के बारे में आपको पता चल जाएगा। अभी ये क्वेश्चन को देखते हैं। लेट मी गिव यू ए क्वेश्चन। ए यूनिफॉर्म बार ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज लाइंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर ए पॉड मास एम मूविंग विथ स्पीड वी इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द रॉड स्ट्राइक्स वन एंड एंड स्टॉप्स फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड। ठीक है, बीट नंबर टू, फाइंड इनिशियल
linear velocity of the striking end initial linear velocity of the striking end ठीक है बिट नंबर थ्री फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड बाय द टाइम इट रोटेट्स बाय 90 डिग्री जब तक वो 90 डिग्री घूम जाएगा ये क्वेश्चन को हमें करना है वैसे बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं मैं दो तीन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया हूं यहाँ पे बाकी अंदरूनी चीजें ढेर सारे हैं इसके अंदर ढेर सारे इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई गिव ऑल द क्रेडिट टू मिस्टर एस सी वर्मा हु हैज दिस क्वेश्चन इन हिज बुक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये जेई में भी आ चुका है लेकिन पहले बुक में आया वर्मा जी के बुक में उसके बाद जेई में आया इट्स नाइस क्वेश्चन ठीक है और इसके बाद इसका बहुत सारे रंग रूप बदलकर लंपियर वगैरह में भी आ चुका है क्या दिया दिया ये है कि कोई एक डंडा ऐसे रखा था जिसका मास एम लेंथ एल कैसे रखा था वो एक किसी एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे पड़ा हुआ था ठीक है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे पड़ा हुआ था मैं लेंथ को स्मॉल एल लेता हूं क्योंकि हमें एंगुलर मोमेंटम भी देखना होगा मास एम एंड लेंथ स्मॉल एल ठीक अब क्या हुआ ये डंडा वर्टिकल नहीं है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है कोई दूसरा पॉइंट मास कुछ भी वेलोसिटी में आया और आके स्ट्राइक किया एक एंड पे और रुक गया जैसे मारा और रुक गया आगे क्या होने वाला है आगे क्या होने वाला है ये तो रुक गया ये तो रेस्ट में है अभी कौन स्मॉल एम अब ये भागने लगेगा अब ये भागने लगेगा जब ये भागने लगेगा आर यू एबल टू सी किस किस्म की मोशन होने वाला क्या ये ऐसे सीधे सीधे भागेगा नहीं तो घूमते हुए भागेगा अच्छा एक बार मारने के बाद क्या हुआ और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है और ये भागे जा रहा है एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स ए बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कौन बोले थे गैलीलियो के एरिस्टोटल न्यूटन बोले थे तो फिर तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा लेकिन इतना बड़ा डंडा न्यूटन का जो लॉ है वो किसके लिए फॉर द सेंटर ऑफ मास द सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म बाहर लिखा है तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास एक ही होगा तो होगा क्या द सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग अलोंग दिस लाइन और डंडा क्या हाल करेगा शुरू में था डंडा ऐसे थोड़ी देर बाद जब वो यहां पर डंडा आ गया होगा डंडा कुछ ऐसा हो गया होगा फिर थोड़ी देर के बाद डंडा कुछ ऐसा हो गया होगा ध्यान रहे ये डंडा ऐसा घूम रहा है और थोड़ी देर के बाद ये डंडा ऐसा हो गया होगा डंडा घूमे जा रहा है कैसा घूम रहा है ये ऐसा घूम रहा है घूमने के साथ साथ क्या हो रहा है सेंटर ऑफ मास इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ मास तो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है न्यूटन जी भी खुश हम भी खुश क्योंकि द बॉडी विल कंटिन्यू अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बॉडी मींस सेंटर ऑफ मास है ना तो सेंटर ऑफ मास कीप्स मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और ये घूम रहा है अच्छा ठीक है भाई घूम रहा है तो अबाउट द सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो उसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी तो होगा एंगुलर मोमेंटम भी होगा अगर कोई पूछेगा कौन सा एक्सिस में घूम रहा है आपको ऑब्वियसली इट इज रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास लेकिन ऐसा नहीं पूछा है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड कौन सा एक्सिस में ये तो नहीं पूछा है और हम तो पूछने वाले को पकड़ के मारते हैं जो पूछेगा फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड अबाउट दिस और अबाउट दैट वो तो मार खाने वाला क्यों
क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड अबाउट एनी पॉइंट इज द सेम. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड अबाउट दिस एक्सिस जितना होगा अबाउट दिस एक्सिस उतना ही होगा, विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट उतना ही होगा, किसी भी विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट एंगुलर वेलोसिटी इज सेम. वो तो हम जानते हैं. फॉर ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेटेशनल मोशन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट इन द बॉडी इज सेम इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन. तो अगर आप सोच रहे होगे कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड और अगर आप ये आपका सोच रहे होगे सर बताएंगे अबाउट व्हिच एक्सिस, तो डंडे पड़ने वाले हैं. खैर किसी भी एक्सिस में एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो क्या चीज पहले समझ में आया, क्लू क्या समझ में आया? सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड मूव्स विथ वी डैश. ठीक है, चलो मानते हैं कि वी डैश में जाने लगा. अच्छा वी डैश में जाने लगा, वी डैश में जाने लगा तो खाली लीनियर मोमेंटम भी तो कंजर्व होगा. इफ आई कंसीडर द रॉड एंड द ब्लॉक एज ए सिंगल सिस्टम, रॉड एंड द पॉइंट मास एज ए सिंगल सिस्टम, तो इन पूरा का लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा. बाद में ये रुक चुका है, इसका वेलोसिटी जीरो हो चुका है, मतलब ये रुक गया तो इसका लीनियर मोमेंटम इसके साथ बराबर होगा. अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी क्या होता है? इट इज एम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये होता है लीनियर मोमेंटम, है ना? तो देखो तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे पूरा मास कितना था इसका, कैपिटल एम, ब्लॉक का स्मॉल एम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ध्यान रहे जब भी हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, चाहे वो मोमेंटम हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो, न्यूटन फर्स्ट लॉ हो, सेकंड लॉ हो, थर्ड लॉ, अस्यूम द बॉडीज टू बी पॉइंट मासेस कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस. मुझे एकदम मालूम नहीं है क्यों ये स्टेटमेंट आपकी बुक में नहीं लिखा है. न्यूटन्स लॉ का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या हुआ, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस, फॉर ए कंसंट्रेटेड मास ओनली. ठीक है, तो इसमें पॉइंट मास मतलब कहां पर सारा मास कंसंट्रेटेड है, एट द सेंटर ऑफ मास. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप कहोगे शुरू में मोमेंटम क्या था, एम वी, अभी क्या हो गया एम वी डैश, मतलब वी डैश इज एम वी बाय एम. हाँ सर ठीक समझ में आया. ठीक, लेकिन पूछा तो नहीं था. हाँ पूछा नहीं था, क्या निकालना था, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट रॉड. ठीक है अबाउट, चलो निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी. इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, हाँ इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, तो ये पॉइंट सी है. एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सी में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, से इज इक्वल टू ओमेगा. लेट अच्छा ठीक है, तो C में अबाउट दिस एक्सिस C उसका मोमेंटम मोमेंटम क्या था, क्योंकि टकराने से पहले ये जा रहा था, टकराने से पहले ये जा रहा था, इस एक्सिस में कोई मोमेंटम दिख रहा था हमें, क्या मोमेंटम था वो, इसका तो था मोमेंट ऑफ मोमेंटम. यस, तो हम कहेंगे एल सी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू एल सी फाइनल. सर ऐसे कैसे आप कर सकते हैं, ये तो तब होता है जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आता, ये तो इसको मारा, मारा तो कोई फोर्स तो लगाया होगा, फोर्स लगाया तो कुछ तो टॉर्क है, फिर कैसे आप कर सकते हो इसे. हाँ ये बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है आपकी तरफ से जो मैं पूछ लिया. अरे भाई साहब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग दिस होल एज ए सिंगल सिस्टम, ये अगर पूरा सिस्टम हो गया तो इनके बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्सेस हुए, जो मारपीट हुए, उसके चलते हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे टॉर्क को, वी नीड एक्सटर्नल टॉर्क. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं नहीं लिखा हूं वो क्या है, कंसीडरिंग द बार एंड द पॉइंट मास एज ए सिंगल सिस्टम, कंसीडरिंग द बार एंड द पॉइंट मास एज ए सिंगल सिस्टम. इसीलिए तो नहीं तो फिर इसका मोमेंटम कैसे कंजर्व हो, ये जा रहा था रुक गया, नहीं इसका नहीं, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है. तो एल सी इनिशियली क्या था, इनिशियली एल सी क्या था, ये मास एम वी वेलोसिटी में जा रहा था, इस एक्सिस में कुछ टॉर्क बनाया होगा, क्या है वो टॉर्क, इट इज एम वी,
into perpendicular distance of line of motion, perpendicular distance is L by 2, और बताओ ये clockwise है कि anti-clockwise है, इस point में ये anti-clockwise घुमाने का कोशिश कर रहा है, हाँ सर anti-clockwise है ना, ये हो गया LC initial, anti-clockwise हो गया, अच्छा बाद में ये ऐसे-ऐसे घूमने लगा, ये ऐसे-ऐसे घूमने लगा, तो इसका भी तो anti-clockwise है, हाँ ठीक है, तो कितना है LC final, LC initial था MVL by 2, finally, finally तो घूम रहा है, कितने में, omega angular velocity में जो हमें निकालना है मालूम नहीं, तो क्या होगा, I into omega, IC into omega, दोनों भर डालते हैं, MVL by 2 into IC, कोई uniform bar है mass and length L का, about C, moment of inertia, सबको आता है, मैं क्यों बताऊं कि ML square by 12 होता है, मैंने बताने वाला आप लोगों को आता होगा that into omega तो मिल गया omega हमें क्या है omega it is coming out to be m v by 6 ml yes yes m v by 6 ml हो गया omega इतना मेहनत किए एक चीज निकला ठीक सो एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बार विल बी इक्वल टू एम वी बाय 6 ml आ गया समझ में आगे फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्ट्राइकिंग एंड मतलब ए स्ट्राइकिंग एंड ए जिस एंड में स्ट्राइक किया टकराने के तुरंत बाद इसका क्या वेलोसिटी होगा अच्छा ये बीट नंबर 1 का इतना मारपीट बीट नंबर 2 पूछा है बताओ व्हाट विल बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस अच्छा अगर ये सिर्फ घूमता सिर्फ घूमता सिर्फ घूमता तो लीनियर मोशन नहीं होता तो इसका वेलोसिटी क्या होता ओमेगा इनटू एल बाय 2 अब ये घूमने के साथ-साथ आगे जा रहा है अगर सिर्फ ट्रांसलेशन होता तो वेलोसिटी क्या होता वी डैश अब ट्रांसलेशन भी हो रहा है घूमेशन भी हो रहा है घूमिंग घूमिंग एंड आगे गोइंग तो क्या हो जाएगा v डैश प्लस ओमेगा इनटू l बाय 2 v डैश प्लस ओमेगा इनटू l बाय 2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू v डैश प्लस ओमेगा l बाय 2 देख लो कितना इंटरेस्टिंग है L तो छोटा L है और VDS का वैल्यू हमें मालूम है क्या है इट इज m v by m प्लस ओमेगा का वैल्यू ये है इसमें L by 2 मल्टीप्लाई करो इट इज m v by हा हा सो यू गॉट द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट तुरंत टकराने के बाद इस एंड का दो वेलोसिटी रहेगा due to rotation omega into l by 2 due to translation that is v dash so ये हो गया आपका velocity of the striking it just after striking क्या चीजें समझ में आ रहा है जो सब concept हम लोग use किए थे ऐसे हम लोग rolling motion में किए थे ना translational motion rotational motion दोनों को जोड़ के net velocity निकाल लेते थे यहां पर भी वही कर रहे हैं ड्यू टू रोटेशन इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या ड्यू टू ट्रांसलेशन इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या जोड़ दिए यू गॉट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए क्या मैं आपको ठीक-ठाक समझा पा रहा हूं यस 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 नाउ वी गो फॉर द थर्ड पॉइंट फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड बाय द टाइम इट रोटेट्स बाय 90 डिग्री रॉड को शुरू-शुरू में तो मार दिया वो घूमते हुए गया जब ऐसा हो गया था तब सेंटर ऑफ मास कितना दूर गया था डिस्टेंस मूव बाय सेंटर ऑफ मास यू वांट टू फाइंड आउट डिस्टेंस मूव बाय सेंटर ऑफ मास मतलब शुरू में तो सेंटर ऑफ मास यहां पे था थोड़ी देर के बाद यहां पर हुआ है पूछा है बताओ ये डिस्टेंस कितना है ये ही आया था जेई में बाकी कुछ नहीं आया था लेकिन इतना बताने के लिए मैं इतना सारा मेहनत किया हमें ये डिस्टेंस पता करना है we want to find out कि s कितना है जब तक रॉड 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा ठीक है भाई चलिए निकालते हैं जब तक रॉड 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा
कि कितना दूर जाएगा। ठीक है, मैं अभी ये क्वेश्चनरी पार्ट को मिटाता हूं क्योंकि आंसर तो आपके सामने है और क्वेश्चन आप समझ चुके हो। सो लेट मी ओमिट दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सो दैट आई कैन मेक द सॉल्यूशन हियर। देखिए ये बड़ा बढ़िया और इंटरेस्टिंग चीज है और इसका जो आंसर आएगा वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले हम देखेंगे कि जब ये चले जा रहा था आगे क्या वेलोसिटी कांस्टेंट था सेंटर ऑफ मास का? हाँ सर कांस्टेंट था, तो ठीक है। क्या उसका एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट था? हाँ वो भी तो कांस्टेंट था, ओमेगा वाज आल्सो कांस्टेंट क्योंकि और मारपीट नहीं हुआ। एंगुलर वेलोसिटी वाज कांस्टेंट, लीनियर वेलोसिटी वाज आल्सो कांस्टेंट, है ना? ठीक है, तो टाइम टेकिंग बिट नंबर थ्री के बात करें टू रोटेट बाय पाई बाई टू कितना 90 डिग्री होगा ना, तो पाई बाई टू घूमने के लिए इज इक्वल टू अरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर वेलोसिटी। पाई बाई टू घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा? पाई बाई टू ओमेगा, इतना टाइम लगेगा उसको 90 डिग्री घूमने के लिए, है कि नहीं? अच्छा डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास इन दिस टाइम, यही समय में सेंटर ऑफ मास कितना दूर जाएगा? इस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था? वो तो बीडीएस था, टी टी तो पाई बाई टू ओमेगा है। चलो 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 सबका वैल्यू डालते हैं, बीडीएस बीडीएस था एम वी बाई एम, देख लो कितना बड़ा मैजिक होने वाला है अभी, एम वी बाई एम इंटू पाई बाई टू, ओमेगा क्या था? ओमेगा ओमेगा एम वी बाई सिक्स एम एल, एम वी बाई सिक्स एम एल, देखो तो सारे कटपिट गए क्या? एम वी एम वी खाया खाया, एम एम क्या मिला? ओ ओ ओ ओ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? कहाँ पर गड़बड़ करती है? ऐसे आएगा आप लोग तब बोलना चाहिए, मजे ले रहे हो बैठ के। हाँ अच्छा ठीक है, तो ये 6 एमबी में ईमेल था, लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो अगर ऐसी ही बात है तो यहाँ पर क्या होगा? ओमेगा एल बाई टू करेंगे, एल बाई टू करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एमबी बाई 12, ये फिर भी गड़बड़ हो गया, 3 एमबी बाय 2 एम, ऐसा है क्या? ओमेगा एल बाई टू, ओमेगा इंटू एल बाई टू, एल बाई टू करेंगे तो हो गया 3 एमबी बाई एम, नहीं? नहीं यस, तो मिलके क्या हो गया? 4 एमबी बाई एम, कितना आसान है लेकिन कितना बड़ा बेवकूफी हम किए थे, कैलकुलेशन मिस्टेक था, वो तो चलता है। कॉन्सेप्ट को देखो तो ये हो गया कितना, सिंपलीफाई करो तो सब कट पिट गए, क्या मिला? पाई एल बाय 12। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, रॉड का मास क्या है, पॉइंट मास का मास क्या है, इसका वेलोसिटी क्या है, कितना जोर से जा रहा था, कुछ भी चीज मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है? सिर्फ लेंथ ऑफ द रॉड, मतलब जब तक ये घूम जाएगा तब तक ये कितना लेंथ का जाएगा। सोचो जब ये क्वेश्चन आया था जेई में कैसे आया था, ए रॉड यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ इज लाइंग ऑन द फ्लोर, ए डेंस पॉइंट मास मूविंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लेंथ स्ट्राइक्स एट वन एंड, Find the distance moved by the center of mass by the time the rod rotates 90 degree. मतलब कुछ भी डाटा नहीं दिया है, सारा डाटा आप अस्यूम करोगे सारा कट करके निकल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी रॉड को इसमें से क्या याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना है कोई भी रॉड को एक एंड पे अगर आप किक मार दोगे, कितने भी जोर से किक मारो,
अगर ये स्मूथ फ्लो है, जब तक ये 90 डिग्री घूमेगा कितना दूर जाएगा? पाई एल बाई 12, इट विल मूव ए डिस्टेंस पाई एल बाई 12। अब कितने भी जोर से किक मारो इतना दूर जाते जाते घूम जाएगा। सो दिस बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लू, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी पुराना है। अब जेई वाले क्या सोचते हैं, बच्चे तो सारे रट्टू है, है ना, सारे क्वेश्चन कर लिए, तो चलो देखते हैं थीम को याद रखे कि नहीं रखे, ये सोच के इस थीम के ऊपर क्वेश्चन दे देंगे। तो आपको क्या याद रखना है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इसको नोट पर बना के लिखना है आपको, और लिखना क्या है कि अगर एक एंड में एक रॉड किसी एक फ्लोर पे पड़ा है, जैसे कोई एक रॉड यूनिफॉर्म रॉड है फ्लोर पे पड़ा है, मैं स्मूथ फ्लोर पे पड़ा है, मैं एंड में इसको ऐसे मार देता हूं, जब तक ये घूम के 90 डिग्री हो जाएगा तब तक कितना दूर गया होगा? पाई एल बाई 12। कितना इंपॉर्टेंट क्लू है, यू कैन कॉल इट ए थ्योरम, यू कैन कॉल इट ए थ्योरम एंड रिमेंबर, क्योंकि इसके लेके अगर कोई क्वेश्चन आगे बना दिया तो यहां तक पहुंचते पहुंचते तो धुआं निकल जाएगा, आगे क्या पहुंचोगे फिर। तो इसको बन गया हमारा रेडीमेड थ्योरम कि कोई भी रॉड को एक एंड से अगर मार देते हैं ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कैसे मारते हैं, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड मार देते हैं, तो जब तक वो 90 डिग्री घूमेगा तब तक उसका सेंटर ऑफ मास आगे गया होगा, कितना डिस्टेंस, पाई एल बाय 12। समझ रहे हो, जे वाल का कोई काम धंधा नहीं है, वो इसे बटोर बटोर के लेते हैं अच्छे अच्छे बच्चों को। ओके okay.